तकलीफ भी हम लोग को हो रहा है, राशन पानी सब्जी के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, और कुछ दिख भी नहीं रहा है। कुछ बोले थे कि दवा क्या आएगा, ये आएगा, कुछ सफाई भी आनी है। अभी तो एक दिन का ये लॉकडाउन था, अगर ये विकराल रूप ले लेता है कोरोना वायरस तो और भी परेशानियां होंगी। तो जब एक दिन में आप जागरूक नहीं हो रहे हैं तो क्या 15 दिन या 1 महीने के लिए जागरूक हो पाएंगे? ये कोशिश में तो लगा हुआ है सब कोई, कैसा मतलब कोई प्रॉब्लम ना है, हम लोग भी पूरे लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ 4-5-6 लोग खड़े हैं और सभी को देख सकते हैं कि बिना मास्क के हैं, तो क्यों बिना मास्क? नहीं, अभी नमाज पढ़ना था, वजू बना कर आए थे, इसलिए सब खड़े हुए हैं। वायरस फैला हुआ है, आप यहाँ खड़े हैं, बिना मास्क के भी आप खड़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनार में ऐसी स्थिति नहीं है? नहीं, अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है कोई। तो मतलब आप आश्वस्त हैं कि आपको वायरस नहीं हो सकता, इसीलिए आप बिना मास्क के यहाँ खड़े हैं? हाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं चूंकि कोरोना वायरस जो है पूरे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, लेकिन छोटे बड़े शहरों में अभी चूंकि चुनार में ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कोरोना वायरस से जूझता हुआ, इसीलिए लोग यहां आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि शायद उन्हें कोरोना। हम चुनार के चौक बाजार पे खड़े हैं जहां अमूमन बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन भी खुद मुस्तैद है। कई बार इन्होंने रूट मार्च किया, लोगों को जो बाहर दिख रहे थे उनको घरों के अंदर जाने की बार बार अपील की। तो हम प्रशासन से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज सुबह से ही चूँकि मोदी जी ने आह्वान किया था कि जनता खुद के लिए जागरूक हो और जनता कर्फ्यू का पालन करे, तो सुबह से लोगों की क्या प्रतिक्रिया चुनार में मिली है? लोगों से हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो जनता कर्फ्यू का पूर्ण समर्थन किया है। हम सुबह से यहाँ 7 बजे से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया, और हमने जिस जिस व्यक्ति से कहा है उसने बहुत अच्छी तरीके से पालन किया है, ना लड़ाई की ना दंगा किया, अच्छे से घर में रहे हैं। हमें भी अच्छा लगा कि ड्यूटी कर रहे हैं दिन भर से, लोगों ने हमारा समर्थन किया है, बहुत अच्छा लगा। ठीक सर, लेकिन जैसे ही 5 बजा मोदी जी ने ये भी कहा था कि 5 बजे 5 मिनट के लिए आप करतल ध्वनि के साथ उन लोगों का सम्मान कीजिए जो देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि वो भी इफेक्ट के केवल कहा था, अब आप लोग जो है कर दिए तो कर दिए, अपना जाओ घर के अंदर रहो अच्छे से, अपना सुबह 6 बजे तक है कर्फ्यू की टाइम, अपना 6 बजे के बाद ही बाहर घर से बाहर निकलना। ये दूध है, सब्जी है, इसकी दुकानें सुबह खुलेंगी, अब वो भविष्य में जो भी हो, या 31 तारीख तक कर्फ्यू लग रहा है या नहीं लग रहा है उस बारे में बताया व्यक्तियों को, बोल रहे थे 31 तारीख तक कर्फ्यू लग रहा है, तो अभी तो 7 जिलों में लॉकडाउन होने की बात आ रही है। सर, लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन 7 जिलों में हो गया है, लेकिन जो रात बताया जा रहा है कि शाम को रात में 9:30 बजे के लगभग बताया जाएगा अगर लॉकडाउन होगा तो रात में। ने कहा था कि आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक घर में रहे, तो इसलिए प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रही है और लोगों को जहाँ कहीं भी भीड़ दिख रहा है तो वो उसे हटाने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन राजीव कुमार के साथ रिपोर्टर्स पेज के लिए शिवानी।